नवरात्रों में प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वाला जी मंदिर में दिव्यांग व स्थानीय लोगों को मां ज्वाला के दर्शनों के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से विशेष सुविधा की गई है। मंदिर प्रशासन की ओर से यहां दिव्यांग के लिए खासे इंतजाम किए गए हैं। पुजारी अविनंदर शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर आशवी नवरात्रों को बाहरी राज्यों दिल्ली पंजाब हरियाणा व स्थानीय हिमाचल प्रदेश से आए हुए श्रद्धालु हर साल नवरात्रों से पहले ज्वाला रूप में ज्योति को अपने घर में 9 दिनों के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए ले जाते हैं। नवरात्रों के दौरान एमिल कंपनी के द्वारा लगभग 4 क्विंटल रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा है। ज्वाला माँ का पूरा दरबार और गर्भगृह को भी फूलों से सजाया गया है। इस बारे जानकारी देते हुए SDM ज्वाला जी अंकुश शर्मा ने बताया कि नवरात्रों में श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखा गया है। नवरात्रों के दौरान ज्वाला माँ का दरबार रंग बिरंगी लाइटों व फूलों से सजाया गया। इसके अतिरिक्त ज्वाला जी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए 2 टाइम लंगर की व्यवस्था की गई है। मंदिर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 60 अतिरिक्त कर्मचारी लगाए गए हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा 75 सुरक्षा कर्मी देखेंगे। नवरात्रों को लेकर SDM ज्वाला जी ने श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए एक 13 सदस्यीय टीम की कमेटी बनाई है। साथ ही स्पष्ट किया है कि नवरात्रों में जो भी खामियां पाई गई उसके लिए कमेटी का प्रधान जिम्मेवार होगा। पहले सभी जो भक्त ये चैनल देख रहे हैं उनको जय माता दी और माता रानी उन सबसे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और जो भी रविवार से नवरात्रे आ रहे हैं उनके लिए बाजार सज गए हैं, हमने भी पूरा तैयारी कर ली है, प्रशासन ने भी पूरी चाक चौबंद अपने सुरक्षा इंतजाम वगैरह सब कर लिए हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नवरात्रों में श्रद्धालु आए, दर्शन करें, जिससे कि हम दुकानदार भाइयों को भी फायदा होगा और सभी को फायदा होगा। इसी के साथ सभी को जय माता दी, माता रानी सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। माता की सभी भक्तों के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। आज महामारी के अश्विन मास के नवरात्रों के लिए मंदिर सज धज के तैयार हो चुका है। भक्तों ने मंदिर में लाइट और फूलों से बड़ा ही अच्छा सजावट करी हुई है और लोग यहाँ से आज ही ज्योतियाँ अपने घरों में ले जा रहे हैं। वो 9 दिन माता के ज्योति को अपने घर में स्थापित करेंगे, कल स्थापना करेंगे और नवचंडी का पाठ करके महामाई को प्रसन्न करके मनभंजन फल प्राप्त करेंगे। जय माता। इसके बारे में बताइए सर जरा। ये जो अश्विन नवरात्रे हैं ये 29 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक चलेंगे यहाँ पे, और नवरात्रों के दौरान जितने भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे या जो लोकल लोग हमारे हिमाचल के हैं, ज्वालामुखी के आसपास के लोग हैं, उनकी सुविधा के लिए हमने कोशिश करी है कि सारे इंतजाम हम अच्छे से करें। जैसे कि यहाँ पे 2 टाइम लंगर की व्यवस्था रहेगी, हमने जो श्रद्धालु आएंगे जो मुंडन करवाना चाहते हैं उसके लिए अलग से जगह चिन्हित कर दी है, कन्या पूजन के लिए जगह चिन्हित करी हुई है, मंदिर को मंदिर की सजावट की जा रही है, रंग बिरंगी लाइटें लगवा के अच्छे से पानी की व्यवस्था हो यहाँ पे, साफ़ सफाई की व्यवस्था यहाँ पे रहे, ये हम इंश्योर कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग 60 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी और 75 होम गार्ड्स, वो भी जो हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उसके अलावा हम इन दिनों में एंगेज कर रहे हैं। तो इस सारी कार्रवाई का पर्पज़ यही है कि हम श्रद्धालुओं को जो ये नवरात्रों के दौरान अच्छी सुविधा प्रदान कर सकें और ये सारे का सारा जो नवरात्र इवेंट है ये हमारा स्मूथली संपन्न। अच्छा सर, ये ज्वालामुखी के जो स्थानीय लोग हैं इनके लिए क्या व्यवस्था है श्रद्धालु दर्शन करने के लिए? इसके लिए यहाँ पे हमारे दर्शन करने के लिए एक स्थानीय गेट है, तो उसको हमने 6 से 10 बजे तक मॉर्निंग में वो उनके लिए खुला रहेगा, तो उस गेट के जो है वो स्थानीय लोग दर्शन कर सकते हैं। सुबह मंदिर कितने बजे खुलेगा सर दर्शनों के लिए? सुबह 5 बजे से ऑनवर्ड्स, और बीच में ऑलमोस्ट जब ज़्यादा रश होता है तब तो 24 आवर्स खुला रहता है। वो जो विशेष टाइम है जब देवी के लिए वो भोग लगता है या पूजा वगैरह होती है उसी दौरान थोड़े समय के लिए बंद करा जाता है, अदरवाइज खुला रहता है। 28 तारीख से शुरू हो गए और आज हमने नवरात्रों को हम अच्छे व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवा पाए इसके लिए हमने मीटिंग करी है। सारे हमारे ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स उपस्थित रहे
ट्रस्ट के मेंबर्स थे, तो हमने कुछ एक टीमों का गठन किया है और कुछ एक इश्यूज़ जो पहले हमारे ध्यान में आए हैं उनके ऊपर चर्चा करी है और टीमें बना के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने परिभाषित कर दी हैं। और मेलों के दौरान भी हम सब एक एज अ टीम एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी, भरपूर कोशिश इनफैक्ट, के मेलों के दौरान हम ये जो मेलों का समापन है इनको एक सुव्यवस्थित तरीके से करवा पाए। धन्यवाद। पीएलटीवी के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।